हेलो स्टूडेंट्स टुडे वी आर स्टार्टिंग अबाउट फिगर्स ऑफ स्पीच सो लेट्स गेट क्लैरिफाइड अबाउट व्हाट इज अ फिगर ऑफ स्पीच फिगर ऑफ़ स्पीच पोएट्री में लाइंस को डिफरेंट और यूनिक तरीके से लिखने का स्टाइल होता है हमें हर लाइन में आइडेंटिफाई करना होता है कि यहाँ पे कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है देर आर मेनी टाइप्स ऑफ फिगर ऑफ स्पीच और इन्हें पोएटिक डिवाइसिस या लिटरेरी डिवाइसिस के नाम से भी जाना जाता है हिंदी में इसे अलंकार के नाम से जाना जाता है तो हम यहाँ पर देखेंगे कि कौन कौन से फिगर ऑफ़ स्पीच हमारे लिए इम्पॉर्टेंट हैं और इसमें मैंने आपको क्वेश्चन भी दिए हैं ताकि आप इसे और अच्छे से समझ सकें तो जो फर्स्ट हमारा इम्पॉर्टेंट मोस्ट इम्पॉर्टेंट फिगर ऑफ़ स्पीच जो हम पहला पढ़ेंगे वो है हमारा सिमिली जिसे कि हिंदी में अलंकार उपमा अलंकार कहा जाता है तो देखते हैं सिमिली क्या है सिमिली इज कम्पेरिज़न मेड बिटवीन टू डिफ़रेंट ऑब्जेक्ट हैविंग एटलीस्ट वन कॉमन थिंग यानि कि अगर किसी लाइन में किसी दो चीज़ों के बीच में कम्पेरिज़न किया गया है तो उस लाइन में हम ये कहेंगे कि यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो सिमिली है ये हम कैसे पहचान सकते हैं कि यहाँ पर सिमिली यूज़ हुआ है इसके लिए एक ट्रिक है कम्पेरिजन जो होगा वो इन तीन में से किसी वर्ड के साथ हुआ होगा सो लाइक या एस जैसे कि ये क्वेश्चन है विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन वेयर द विंड इज़ लाइक अ वेटेड नाइफ इस क्वेश्चन में विंड का कंपैरिजन है वेटेड नाइफ से और कंपैरिजन हुआ है लाइक के थ्रू तो अगर किसी लाइन में दो चीज़ों के बीच में कंपेरिजन है और वो कंपैरिजन सो लाइक या एज इन तीन में से किसी एक वर्ड की हेल्प से हुआ है तो हम ये बहुत ही ईजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि उस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच या लिटरेरी डिवाइस या पोइटिक डिवाइस यूज़ हुआ है वो होगा सिमिली सो वी हैव टू बी वेरी वेरी क्लियर ऑफ दिस थिंग इफ़ देर इज अ कंपेरिजन इन एनी लाइन यूजिंग एनी ऑफ दीज थ्री वर्ड्स लाइक एज और सो देन द करेक्ट आंसर वुड बी सिमिली नाउ लेट्स कैट ऑन टू द नेक्स्ट फिगर ऑफ स्पीच दैट इज नोन एज metaphor metaphor in hindi is also known as rupak alankar now let's see what is a metaphor it is comparison made between two different objects without using any comparison word it is very similar to simile सिमिली में भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन होता है इसमें भी दो चीज़ों के बीच में कंपैरिजन है बट द डिफ्रेंस इज इसमें जो कंपैरिजन होगा उसमें सो so, एज़ या लाइक like नहीं यूज होगा उसमें इन में से किसी भी वर्ब के थ्रू कंपैरिजन होगा जो भी हमारी वर्ब्स होती हैं इज ए मार हैज ए देखिए विच फिगर ऑफ स्पीच इज़ यूज इन यू हैव अ फ्लार फेस यहाँ पे उसके फेस को कंपेयर किया गया है एक फ्लावर फेस से फ्लावर फेस यानी कि उसके फेस को कंपेयर किया जा रहा है कि उसका चेहरा कैसा है फ्लावर जैसा है फूल जैसा है यहाँ पे उसके फेस का कंपैरिजन तो है लेकिन कंपैरिजन में कोई सो so, लाइक like, या एज तीनों में से कोई भी वर्ड यूज़ नहीं हुआ है इंस्टेड हैव इज़ यूज हिर एंड हैव इज़ अ वर्ब तो अगर किसी वर्ब के थ्रू हम कंपैरिजन कर रहे हैं तो उसका आंसर हमारा होगा मेटाफर नाउ द थर्ड फिगर ऑफ स्पीच इज नोन एज परसोनिफिकेशन जिसे हिंदी में मानवीयकरण के नाम से जाना जाता है क्या है परसोनिफिकेशन इट इज नोन एज गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज टू ऑब्जेक्ट्स और थिंग्स इसका मतलब है कि अगर हम किसी भी ऑब्जेक्ट या चीज़ को एक लाइन में ऐसे प्रेजेंट करते हैं जैसे उसके अंदर कोई ह्यूमन क्वालिटीज़ हैं तो हम ये कह सकते हैं कि उस लाइन में परसोनिफिकेशन यूज़ हुआ है जैसे हम किसी भी कोई भी ऑब्जेक्ट है जैसे फ्लावर्स हैं या कोई भी ऑब्जेक्ट है जिसे हम ह्यूमन के तरीके से बिहेव करता हुआ शो करते हैं तो इसकी ट्रिक है कि इसमें नॉन ह्यूमन थिंग्स जो होती हैं उन्हें ह्यूमन जैसा शो किया जाता है Question, laughter holding both her sides. Laughter, एक हसी की चीज है इट इज अन ह्यूमन थिंग और हम क्या शो कर रहे हैं दैट इट इज होल्डिंग बोथ हर साइड्स हर साइड हर हम ह्यूमन बींग्स के लिए यूज करते हैं यहाँ पे लाफ्टर के लिए ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक यूज़ किया गया है और लाफ्टर कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो अपनी साइड्स को होल्ड करके रख सके किसी चीज़ को होल्ड करना ह्यूमन बीइंग का कैरेक्टरिस्टिक है तो यहाँ परसोनिफिकेशन यूज़ हुआ है नेक्स्ट इज ऑक्सीमोरन जिसे हम विरोधाभास के नाम से जानते हैं ऑक्सीमोरन होता है टू ऑपोजिट क्वालिटीज आर एडिड टू समथिंग किसी भी एक लाइन में दो ऑपोजिट क्वालिटीज़ ऐड करना जब एक सेंटेंस में दो ऑपोजिट वर्ड्स यूज होते हैं तो हम ये कहते हैं कि इस लाइन में ऑक्सीमोरन का इस्तेमाल किया गया है तो इसका जो हम क्वेश्चन देखेंगे वो है दैट हिज न्यू फ्रेंड्स हिज़ न्यू फ्रेंड इज़ प्रिटी अगली हमने यहाँ पर बोला कि उसका न्यू फ्रेंड प्रिटी अगली है प्रिटी का यहाँ पे मतलब है कि थोड़ा अगली लेकिन यहाँ पे प्रिटी और अगली दोनों ही कॉन्ट्रोडिक्ट्री वर्ड्स हैं कम्प्लीटली ऑपोजिट वर्ड्स हैं इफ़ यू आर प्रिटी देन यू कॉन्ट बी अगली एंड इफ़ यू आर अगली देन यू कॉन्ट बी प्रिटी सो हियर वी हैव यूज ऑगजीमोरन नाउ द नेक्स्ट इज अपोस्ट्रोफी अपोस्ट्रोफ़ी का ट्रिक है कि किसी भी वर्ड के बाद अगर एक्सक्लेमेशन मार्क यूज हुआ है तो इट इज़ वेरी ईजी टू आइडेंटिफाई कि यहाँ पर जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो अपोस्ट्रोफी है जैसे एग्जाम्पल में भी यहाँ शो हो रहा है ओ होली नाइट एंड देन देर इज अ अपोस्ट्रोफी सॉरी एक्सक्लेमेशन मार्क तो हम क्लियरली बता सकते हैं कि इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज हुआ है वो अपोस्ट्रोफी है नाउ द नेक्स्ट वन इज एलिट्रेशन एलिट्रेशन को हिंदी में अनुप्रास के नाम से जाना जाता है इट इज़ नोन एज हैविंग द सेम कॉन्सोनेट साउंड रिपीटेशन ऑफ लेटर्स अगर किसी भी सेंटेंस में दो तीन वर्ड्स का दो से ज़्यादा वर्ड्स का जो इनिशियल लेटर है वो रिपीट होता है तो उस लाइन में एलिट्रेशन है जैसे यहाँ पर है किरन्स किड्स केप्ट प्लेइंग यहाँ पे एक लाइन में तीन डिफरेंट वर्ड्स हैं जिनका फर्स्ट लेटर दैट इज़ के इज़ बींग रिपीटेड किरण किड्स एंड केप्ट तीनों में के रिपीट हो रहा है तो इसका मतलब इस लाइन में जो फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुआ है वो हम कहेंगे कि एलिट्रेशन यूज हुआ है क्योंकि एलिट्रेशन में द फर्स्ट एल्फाबैट मैटर्स आगे बढ़ते हैं द नेक्स्ट इज हाइपर बोल हाइपर बोल गिव्स एन एग्जैचुरेटेड स्टेटमेंट एग्जैचुरेटेड स्टेटमेंट का मतलब होता है कोई चीज़ बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर कहना अगर हम किसी चीज़ को बहुत ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर बोलते हैं एक्स्ट्रा एम्फिसाइज करके बोलते हैं तो उसको हम हाइपर बोल के नाम से जानते हैं जैसे कि आई डाइड लाफिंग आई डाइट लाफिंग ये हम बोलते हैं कि मैं हंसते हंसते मर गया या हंसते हंसते पागल हो गया बट ये जब हम तब बोलते हैं जब हम बहुत ज़्यादा दिखाना चाहते हैं कि हमें कितनी हंसी आई कोई भी हंस हंस के मरता नहीं है ये इट इज़ अ वे ऑफ सेइंग कि हम बहुत ज़्यादा हंसे हमें बहुत हंसी आई तो हाइपर बोल यही शो करता है सो दिस स्प्रिंग्स टू द एंड ऑफ आर फिगर्स ऑफ स्पीच आई होप इट इज क्लियर टू यू ऑल